बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमारा टॉपिक है कि हमने हैच को किस तरह से एडिट करना है। इससे जो पहला वीडियो ट्यूटोरियल था उसमें हमने हैच को किया था कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट में हैच किस तरह से कर सकते हैं मुख्तलिफ मटेरियल शो करने के लिए। लेकिन अगर हमने उसी हैच को एडिट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए सबसे पहले तो हमारे पास एक कमांड हैच एडिट की, और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर पैलेट्स में, मॉडिफाई के पैलेट में हमारे पास हैच एडिट के लिए ये एक ऑप्शन है, ठीक है ना। या तो हम यहाँ से इस कमांड को एक्टिव कर सकते हैं, ओके ये एक्टिव हो गई है, या फिर मैं एच ई लिखूँगा तो मेरे पास हैच एडिट की कमांड आ जाएगी। इसको स्पेस बार के ज़रिए मैं इंटर करूँगा, ओके, और मैं जो भी मतलब जिस भी हैच को मैंने एडिट करना है उसके ऊपर मैंने जाके क्लिक कर देना है, तो वो डायलॉग बॉक्स हमारे पास सामने आ जाएगा हैच का। इसमें हम कुछ भी ग्रेडियंट हैच करना चाहें या फिर उसी ऐड को कोई मॉडिफिकेशन, मतलब मैं इसमें गया और प्री डिफाइंड में चला गया और यहाँ से मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं कुछ और पैटर्न जो हैं वो मैं इंसर्ट करूँ हैच की सूरत में, जिस तरह की ग्रेबल हो गए, ओके कर दिया, ठीक है, और मैं इसको प्रीव्यू कर दूँगा तो यहाँ से ये एडिट हो गई है। इसके अलावा अगर मैं इसी के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है ना, तो ये यहाँ पे हमारे पास ऊपर रिबन में मुख्तलिफ हैच की जो हमारे पास ऑप्शन है वो आ गए हैं। यहाँ से भी मैं इनको चेंज कर सकता हूँ जिस तरह यहाँ पे, ठीक है ना। मैं यहाँ पे अगर कंक्रीट करना चाहूँ तो देखें यहाँ पे स्केल आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा है। अगर मैं स्केल को यहाँ पे कम कर देता हूँ, जिस तरह के मैं इसको अगर 1 कर दूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, मतलब अगर मैं इसको 10 कर देता हूँ तो ये यहाँ पे देखें ये कंक्रीट है। अब अगर स्केल के लिए अगर ये वाला डायलॉग बॉक्स नहीं ओपन हो रहा तो इसके अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं? मैं हैच को सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और मैं प्रॉपर्टीज़ में चला जाऊँगा। यहाँ प्रॉपर्टी पैलेट जो है हमारे सामने आ गया है, और यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको चेंज कर सकता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास ये एक स्केल का ऑप्शन है, यहाँ से हम और भी मुख्तलिफ ऑप्शन है, अगर हमने कलर वगैरह अगर चेंज करना है वो भी चेंज कर सकते हैं, लेयर अगर हमने कोई और डालनी है यहाँ पे वो भी, लाइन का वेट, स्केल और टाइप अगर हमने चेंज करना है तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे स्केल का ऑप्शन है, तो अगर मैं इसको ज़्यादा करना चाहूँ तो 20 कर देता हूँ तो यहाँ से ये मैं चेंज कर सकता हूँ। तो हैच एडिट के लिए हमारे पास ये ऑप्शंस हैं, यानी कि मॉडिफिकेशन में हमारे पास एक ऑप्शन है और हैच एडिट की हमारे पास कमांड एच ही है, ठीक है। इनके ज़रिए हम हैच को एडिट कर सकते हैं, या फिर हमने अगर स्केल को चेंज करना है तो उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। ये जो पैलेट्स हैं बेसिकली, मैं अगर इसको सेलेक्ट करूँ और यहाँ पे पैलेट्स में आ जाऊँ, ठीक है ना, जिस तरह ये लेयर का पैलेट ओपन हो गया, और यहाँ से मैं जाऊँगा तो डायरेक्टली प्रॉपर्टीज़ का पैलेट ओपन हो गया, यहाँ मुझे राइट क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको मैंने क्लिक किया और प्रॉपर्टी पैलेट में चला गया, ये प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया और यहाँ से मैं मुख्तलिफ ऑप्शंस देख सकता हूँ। ये पैलेट्स पे मैंने पहले एक वीडियो की थी कि हमने इनको किस तरह से ड्रैग करके यहाँ पे लाना है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे, और यहाँ से डायरेक्टली हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।